हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम स्प्लेंडर प्लस बाइक का पूरा गियरबक्सा फिटिंग आपको बताने वाले हैं। एक एक वॉशर, एक एक बोल्ट का पूरा गियरबक्सा फिटिंग आपको बताएंगे। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी समझ में आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। जो कि दोस्तों आप जानते हैं कि ये स्प्लेंडर प्लस बाइक का गियरबक्सा है। दोस्तों, इसमें क्या क्या फिट होना चाहिए, कैसे फिट होना चाहिए और क्या क्या बोल्ट किस तरीके से लगाना चाहिए, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, ये जो हम फिट कर रहे हैं ये सिलेक्टर और गियरबक्सा की गरारियाँ हैं। दोस्तों, ये गरारियाँ जो बेयरिंग जो इसमें डाले हुए हैं मैंने, वो बेयरिंग एकदम न्यू हैं, जो कि गरारियों को डालने में थोड़ा सा फंस रहे हैं। दोस्तों, जो कि हमने एडजस्ट कर लिया है इसका गियरबक्सा की गरारियाँ, दोस्तों जो कि आप देख सकते हैं, अगर इस गरारी को इस प्रकार से फ्री रहती है तो हमारा गियरबक्सा का नीचे जो सेट डाउन वाला जो ऑप्शन है, नीचे की गरारियाँ बिल्कुल फिट हैं। जो कि आप उल्टा करके आपको हम दिखा दे रहे हैं, बिल्कुल गरारियाँ जो फिट हैं, और इसके बावजूद मैं साइड में भी दिखा दे रहा हूँ पीछे की ओर कितनी शाख है। दोस्तों, इसमें जो सेकेंड बेयरिंग छोटा वाला है उसमें शाख ज़्यादा है, यानी कि इसमें जो नीचे की गरारियाँ हैं उसमें प्ले नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसकी जो साइड वाली जो टॉप गियर की शापट है, इसमें जो गरारियाँ फिट हैं ये अच्छे से सेट नहीं आई हैं। दोस्तों, इसको अच्छे से सेट करने के लिए हमें जो टॉप गियर की शापट है इसकी बासलों को साइड से निकालना पड़ेगा, और जो कि इसमें बासलें जो सेट करके डाल के फिट करेंगे तो हमारी जो टॉप गियर की शापट है एडजस्ट हो जाएगी और अच्छे से फिट हो जाएगी। दोस्तों, इंजन के गियर बक्सा में सबसे ज़्यादा काम होता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है ये, आप ज़रूर वीडियो को पूरा देखिए, जो कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ पाए कि आखिर गियरबक्सा किस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं मेरा गियरबक्सा सही फिट है या नहीं फिट है। दोस्तों, आप पीछे की साइड देख सकते हैं, उसमें एकदम गियरबक्सा की जो गुल्ली है एकदम फिट बैठी हुई है। दोस्तों, आ जाते हैं हम इस बेयरिंग में। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम एक गियरबक्सा का जो वॉशर है मेन सपोर्ट का, वो वॉशर खांचे वाला वॉशर डाल देंगे। उसके बाद हमें खांचे वाली गरारी डालनी है, उसके बाद एक वॉशर और डालना है, उसके बाद ये मेन बेयरिंग डाल देना है। दोस्तों, ये दोनों गरारियाँ फिट करने के बाद हमने पीछे की ओर एक वॉशर डबल लगाया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं अच्छे से काम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, गरारियाँ फिट तो और तरीके से हो जाती हैं, ये वॉशर अंदर की साइड में हो जाते हैं, लेकिन इसकी जो है तीसरे गियर की गरारी वो कटी हुई है, तभी हमें ये बासल जो है नीचे की ओर डालना पड़ रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं गरारी बिल्कुल सेट फिट हुई है और पीछे की साइड में बिल्कुल सेट हो गई है। दोस्तों, अब ये गियरबक्सा नीचे का साइड का है, वो अच्छी तरीके से सेट हो गया है, इसमें कोई भी प्ले नहीं रह गई है। दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं। दोस्तों, ये टोटल एकदम कम्प्लीट थी, अच्छे से चेक कर लेना है। देखिए दोस्तों, सापट बाहर की ओर निकल आई है थोड़ी सी, जो कि ये संकेत है कि हमारा जो गियरबक्सा की जो बेयरिंग है वो अच्छे से बैठी हुई है गरारी में। दोस्तों, आप ये भी देख सकते हैं ये गरारी बिल्कुल फ्री चल रही है, यानी कि हमारा गियरबक्सा जो है फिट है एकदम परफेक्ट तरीके से। दोस्तों, अब रहा हमारा ऊपर की गरारी, जो कि दोस्तों इसमें हमें ऊपर की ओर एक गुल्ली डालनी है, जो कि आप देख सकते हैं वीडियो में। इसके बाद हमें एक गरारी डालनी है छोटी सी, जो कि गरारी ये चौथे गियर की गरारी है। दोस्तों ये पहले गियर की गरारी है, जो कि ऊपर की ओर लगी है, और इसके ऊपर से हमें एक वॉशर लगानी है। दोस्तों, अब जो गरारियां हैं इसकी, हमारे गियरबक्सा की गरारियां हैं, वो कम्प्लीटली फिट हो गई हैं। दोस्तों, स्प्लेंडर प्लस बाइक है अगर आपकी, तो आपको इसी प्रकार से गियरबक्सा की गरारियाँ फिट कर देनी है। दोस्तों, जिसके बाद हमारा अभी बहुत कुछ बाकी है, इसमें किक सापड़ बाकी है, न्यूट्रल पट्टी बाकी है। दोस्तों, हमने न्यूट्रल पट्टी जो है नई डाल लेनी है। दोस्तों, इसमें न्यूट्रल पट्टी नई इसलिए डालते हैं क्योंकि एक इसी के ख़राब होने से हमारा जो न्यूट्रल लाइट जो है नहीं वर्क करेगा, और उसके लिए हमें पूरा इंजन खोलना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप इंजन बांधें तो न्यूट्रल पट्टी सही भी हो फिर भी आपको नई ही डालनी है। जिसके बाद किक सापट डालनी है, जिसके बाद क्रंक हमें बिठानी है अच्छे से। दोस्तों, क्रंक का ध्यान रखें, क्रंक उल्टी सीधी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, हमारे साथ भी हुआ है, कि क्रंक जो है उल्टी फिट होने के कारण अच्छे से सेट की मैंने गियरबक्सा और वापस से खोलना पड़ गया, क्योंकि टाइमिंग गरारी अलग साइड में हो गई, क्लच कवर साइड में,
और क्लच कवर साइड का जो सावड़ थी वो मैग्नेट साइड में हो गई दोस्तों, जिसके बाद हमने पैकिंग लगा लेनी है। दोस्तों आप अच्छे से इस पर नज़र डाल सकते हैं जो कि पैकिंग जो है अच्छे से फिट हो गई है और इसमें क्या क्या फिट होता है सारा कुछ हो गया। अभी इसमें गियर सापट बाकी है जो कि दोस्तों हम क्लच कवर की ओर से गियर सापट इसमें डाल सकते हैं। दोस्तों गियर सापट बाहर से भी पड़ जाएगी, तभी हमने इसमें गियर सापट पहले से ऐड नहीं की है, क्योंकि दोस्तों गियर सापट जब हम फिट कर लेते हैं पहले से तो उसमें ऊपर का जो चैम्बर होता है मैग्नेट साइड का वो बिठाने में काफ़ी दिक्कत होती है दोस्तों, वो बहुत टाइट फंसता है, तभी हमने ऊपर का साइड जो चैम्बर है वो अच्छे से फंसाने के लिए सापट नहीं डाली है दोस्तों, जिसके बाद हमें ऑयल पंप गराई चेक करके अपना ऊपर का चैम्बर जो है बिठा देना है। दोस्तों ये चैम्बर टाइट आने वाला है क्योंकि इसमें बेरिंगें जो हैं सारी की सारी नई पड़ी हुई हैं। दोस्तों नई बेरिंग इसलिए डाली है क्योंकि बेरिंग काफ़ी हद तक कट चुकी थी, तभी मैंने सोचा इसका इंजन का जो साउंड है बिल्कुल बेरिंगों की वजह से परफेक्ट आता है, बेरिंग ही साउंड को अच्छी तरीके से सेटअप करती हैं। दोस्तों ये थोड़ा सेट करने के बाद एकदम अच्छे से सापट बैठ गई है दोस्तों, जिसके बाद हमें काफ़ी कुछ चेक करना होता है, जैसे कि हमारा गियर जो है कितने गियर पड़ रहे हैं कितने नहीं पड़ रहे हैं, टाइट पड़ रहे हैं या आराम से पड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें गियर बॉक्सा फिट करने के बाद चेक कर लेनी है सारे बोल्ट टाइट करने से पहले। दोस्तों अगर हम ऐसे ही अंदाजे में छोड़ देते हैं तो ठीक नहीं होता है, वो बाद में हमें पछताना पड़ता है दोस्तों, इससे अच्छा यही है कि हम पहले से कितना भी नॉलेज क्यों ना है आपको, लेकिन आपको इसमें एक बार जांच ज़रूर करनी है दोस्तों, चाहे जितना नॉलेज हो फिर भी एक बार चेक करने में कुछ नहीं जाता, अगर पूरा इंजन दोबारा से खोलना पड़ता है तो काफ़ी सारी दिक्कत हो जाती है दोस्तों, इसीलिए गियर बॉक्सा फिट करने के बाद एक बार जांच ज़रूर कर लें। दोस्तों ये सापट हमारी जो है वो काफ़ी जाम जा रही थी, जो कि हमने अब इसमें थोड़ी सी ठोंक लगाई है, जो कि बेरिंग हमारे जो है सेट बैठ गए हैं रोस्ट की वजह से, सापट जो बिल्कुल फ्री हो गई है। दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो जो है अच्छी तरीके समझ में आ गई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। दोस्तों जिसके बाद हमें सारे के सारे बोल्ट अच्छे तरीके से टाइट कर देने हैं, कोई भी बोल्ट लूजिंग नहीं होना चाहिए। इससे पहले हमें गियर बॉक्सा की जो गियर हैं जो चारों गियर ज़रूर चेक करने हैं, और इसकी ऑयल पंप गरारी जो है जो आप सामने देख सकते हैं उसे अच्छी तरीके से एडजस्ट कर देना है, क्योंकि कई बार दोस्तों ये होता है कि ऑयल पंप गरारी जो है फंस जाती है, जिसकी वजह से हमारा ऑयल पंप जो अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाता। दोस्तों आप बोल्ट भी एक एक बिल्कुल एडजस्ट तरीके से लगाने हैं दोस्तों, ओवर साइज का कोई भी बोल्ट इसमें नहीं लगाना है, क्योंकि ओवर साइज बोल्ट लगाने से काफ़ी नुकसान, हमारे चैम्बर भी फट सकता है, चूड़ी भी ख़राब हो सकती हैं, काफ़ी नुकसान हो जाता है, कभी ओवर साइज बोल्ट मत लगाएं। बोल्ट कम से कम आधा इंची बाहर होना चाहिए, वही बोल्ट लगाएं, अगर एक इंची या पौन इंची बाहर है तो उसे बिल्कुल मत ही लगाएं। दोस्तों हमारा गियर बक्सा कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों इसी प्रकार से आपको स्प्लेंडर का गियर बक्सा हर एक वासल हर एक बोल्ट बिल्कुल जांच करके डालना है। दोस्तों गियर बक्सा ही साउंड को अच्छी तरीके से मेंटेन करता है, इसलिए गियर बक्सा को अच्छी तरीके से सेट करें। दोस्तों इसका आगे का पार्ट अगली वीडियो में देते हैं, दोस्तों अगली वीडियो में इसका आगे का इंजन फिटिंग का पार्ट पूरा वीडियो बनाएंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।